अगर आप रोज़ रोज़ बेसन का चीला खा के बोर हो गए हैं और कुछ अलग खाना चाहते हैं, वो भी हेल्दी, फिलिंग एंड टेस्टी, तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स के चीले, जो डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओट्स का चीला बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप ओट्स, जिसको हम मिक्सी में कोर्स ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन, थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके, कसूरी मेथी, काली मिर्च, काला नमक, हिमालयन पिंक सॉल्ट, 1/4 टेबलस्पून हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, मेक श्योर कि बैटर पतला ना हो जाए। बैटर रेडी हो गया है विद परफेक्ट कंसिस्टेंसी। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी वेजीज डालनी है। आप इसमें कोई भी अपने मनपसंद की वेजीज ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ चॉप्ड अनियंस, टमेटोज, कैप्सिकम, ग्रेटेड कैरेट, ग्रीन चिलीज लिए हैं। अब सबको इस बैटर में ऐड करके और साथ में ही थोड़ा सा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग रेसिपीज एंड वीडियोस मिस नहीं होंगे। अब थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एज आप देख रहे हैं कि बैटर थोड़ा थिक हो रहा है। ओट्स का आटा पानी एब्जॉर्ब जल्दी करता है, इसलिए बैटर गाढ़ा हो जाता है। बैटर थोड़ा फ्लोई कंसिस्टेंसी का होना चाहिए ताकि तवे पर स्मूथली स्प्रेड हो जाए। अब बैटर को 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक बैटर रेस्ट हो रहा है, तब तक हम ओट्स के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। ओट्स एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन है, विच इज रिच इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन एंड लो इन कैलोरीज, जो हमारे वेट लॉस और ब्लड शुगर लेवल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स अ हेल्दी गट। इट लोअर्स द रिस्क ऑफ द हार्ट डिजीज बाय रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो देखा आपने ओट्स के कितने फायदे हैं। अगर हम ओट्स को वन ऑफ अ डेली मील में ऐड करें, यू नेवर नो हाउ दिस विल इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल। तो 15 मिनट हो गए हैं, बैटर चेक कर लेते हैं। पानी की कमी लग रही है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। साथ साथ में मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है, आप इसको एनोडाइज या लोहे के तवे पर भी बना सकते हैं। तवा गर्म हो गया है, अब इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच बैटर डालेंगे और करछी को गोल गोल घुमाकर स्प्रेड करेंगे। ये चीला थोड़ा सा थिक बनता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें सब्जियां डली हुई हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से ढक देंगे, जब तक ये बैटर पूरा ऊपर से पक ना जाए। गैस की फ्लेम मीडियम रखें, नहीं तो ये चीला नीचे से जल्दी जलने लगेगा। ये देखिए बैटर पक गया है, अब ढक्कन हटा के इसको पलट देंगे। अगर आपने इसको पकने से पहले पलट दिया तो चीला मॉइस्चर से टूट जाएगा। दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से सेक लेना है। अब इसको पलट लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी पक गया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और फिर पलट देंगे। अब साइड से ऐसे दबाएंगे ताकि एकदम गोल्डन ब्राउन सा पक जाए। अब पलट के एक बार चेक कर लेते हैं। वाह, क्या गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो हमारा चीला रेडी हो गया है, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी चीले भी बना लेंगे। इसको बनाना उतना ही आसान है जितना आप देख रहे हैं, अगर आप मेरी बातों का ध्यान दें जो मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है। आप इसको इमली की चटनी या पुदीने की चटनी के साथ और नहीं तो दही के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट चीले बने हैं और टेस्टी भी। इसको देखते ही ज़रूर आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। तो फिर जाइए अपनी किचन में और बनाइए इस हेल्दी स्वादिष्ट नाश्ते को, और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी ज़रूर शेयर करें। एंड एट लास्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।